गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, जिसमें आपको समझाया था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी रेडियस चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रिक्शन के कारण, रब करने के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी को छोड़ के जाते हैं वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के कारण नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है, और दूसरी बॉडी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। आपको ये टर्म्स पहले से पता हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनसे आसानी से इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कर सकते हैं, जैसे मेटल्स, पानी, वाटर, मर्क्यूरी, ये सारे कंडक्टर्स हैं। इसी तरह इंसुलेटर्स, जिन्हें ज़्यादातर आप बैड कंडक्टर्स बुलाते हैं, वो कौन से मटेरियल होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस पास नहीं करते हैं आसानी से, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रोक देते हैं, जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक एट्सेट्रा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे, ये बात एक समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को खुले घूमने देने देने की इजाज़त देता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त देता है, इसलिए अगर आपने किसी एक कंडक्टर के ऊपर एक चार्ज रखा तो वो चार्ज उस एक जगह पर ही टिका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वो चार्ज उस कंडक्टर पर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है? इसको पहले हम समझते हैं फ्लेम, हीट से। मान लीजिए रॉड का एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, ठीक है? आपने इस रॉड ए को यहाँ नीचे हीट दी, ठीक है? तो क्या हीट एनर्जी, ये गर्मी की एनर्जी जो हीट है, वो यहीं ए पर ही रहेगी कि धीरे 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 वो फैलती जाएगी और बी तक पहुंच जाएगी? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो रॉड आपने लिया है, ये कौन सा रॉड है? मेटल का या कंडक्टर का रॉड है, सही है? तो हमें पता चलता है कि हीट एनर्जी ए से लेके बी तक फैल जाएगी, इवनली स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि मेटल या कंडक्टर जो है वो हीट एनर्जी को स्प्रेड करने देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब समझ लो, हीट एनर्जी के बदले तुमने यहाँ पर एक चार्ज रखा है, ठीक है? और तुम यहाँ धीरे 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 चार्ज देते जा रहे हो, तो वो चार्ज इसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर नहीं टिका हुआ रहेगा, बल्कि वो धीरे धीरे ए से बी की तरफ फैलता चला जाएगा, और थोड़े टाइम में ये जो तुम इधर एक जगह चार्ज दे रहे हो वो पूरा आप पीछे तक स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है? तो ये है स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज, जो कंडक्टर्स में या मेटल्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसी के बदले एक इंसुलेटर की रॉड लें, जैसे आपने लकड़ी की रॉड ले ली और उसको नाम दे दो आप एक्स और वाई, ठीक है? ये इंसुलेटर है। तो अगर आपने इंसुलेटर पर एक्स के ऊपर यहाँ पर चार्ज रखा है, तो इंसुलेटर क्या काम करता है? वो चार्ज को अपने पास से जाने की इजाज़त नहीं देता है। जब वो इजाज़त नहीं देता है तो ये चार्ज यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, जिसके कारण वो इसी जगह पर टिका रह जाएगा, यहीं पर ही रह जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकेगा। और इस कारण से, क्योंकि वो उसी जगह पर लोकल हो गया है,
लोकल मतलब वो वहीं पर टिका रह गया है, इसे फैल नहीं सकता है, इसीलिए इस चार्ज को बुलाते हैं लोकलाइज्ड चार्ज, क्योंकि वो फैल नहीं सकता है।